हेलो दोस्तों, मेरे चैनल टेस्टी अपलोड्स में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आप सबके साथ एक नहीं, दो नहीं, तीन भी नहीं, पांच पांच जूसेस की रेसिपी शेयर करने वाली हूं, जो कि बहुत ही इजीली बन जाएंगे और बहुत ही टेस्टी भी लगेंगे आपको, और सारे ही बहुत ही एनर्जेटिक जूसेस हैं। पियेंगे तो बहुत ही ठंडा ठंडा फील होगा। अब ऐसी गर्मियों के मौसम में अगर ठंडा ठंडा फील हो रहा है तो इसमें बुराई क्या है। तो इन जूसेस में से आपको जो भी जूस पसंद आए आप उसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा एंड मुझे फिर बताइएगा ज़रूर कि आपको कैसा लगा। तो आइए जल्दी से देख लेते हैं कि हमें ये पांचों जूसेस कैसे बनाने हैं। तो पहला जूस बनाने के लिए यहाँ पर मैंने मैंगो यानी कि आम के छोटे छोटे पीसेस कट करके रख लिए हैं। रैंडमली पीसेस कट कर लीजिएगा थोड़े। उसके बाद में हम एक जार में ये पीसेस डाल लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 चम्मच चीनी और इस जार को बंद करके अब हम इसे अच्छे से पीस लेंगे। जार का ढक्कन एक बार खोल के देख लीजिए कि अच्छे से पीसा है या नहीं, और उसके बाद में हम इसमें डाल लेंगे 1 कप पानी। 1 कप पानी डालने के बाद इसे दोबारा से एक बार ग्राइंड करेंगे। तो ये अच्छे तरीके से पिस चुका है। अब एक ग्लास ले लीजिए और उसमें खूब सारी आइस डाल लीजिए क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, और उसमें ये जूस सर्व कीजिए। तो पहला जूस हमारा मैंगो का है। मैंगो जूस बनके यहाँ पर रेडी है। अब बारी है सेकेंड जूस की। तो उसके लिए यहाँ पर मैंने लिए हुए हैं तरबूज के कटे हुए पीसेस। तरबूज में से मैंने बीज पहले ही निकाल के रख लिए थे। इसे हम इसी तरीके से बंद कर देंगे, कुछ भी नहीं डालना, और इसे ग्राइंड कर लीजिए अच्छे से। ग्राइंड करने के बाद में एक बार चेक भी कर लेंगे तो ये अच्छे तरीके से पिस चुका है, बिल्कुल भी तरबूज के पीसेस नहीं बचे हैं। अब इसमें हम डालेंगे आइस के पीसेस यानी कि खूब सारी बर्फ़, और उसके बाद में हम इसमें ये तरबूज यानी कि वाटरमेलन जूस सर्व कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा सेकेंड जूस भी बनके रेडी है। अब बारी है थर्ड जूस की। तो थर्ड जूस के लिए मैंने यहाँ पर लिया हुआ है अंगूर। अंगूर को हम जार में डाल लेंगे और जार को बंद करके हम इसे अच्छे से पीस लेंगे। अब यहाँ पर मैंने एक बोल लिया है और बोल में एक छलनी रख लेंगे। इस छलनी में ये पिसा हुआ अंगूर डाल लेंगे। थोड़ा सा पानी भी डाल लिया है मैंने इसमें, 1/4 कप पानी डाल लिया था। अब किसी भी करछी, चम्मच या स्पैचुला की मदद से इसे इस तरीके से छान लीजिए। तो देखिए ग्रेप्स का जूस भी यहाँ पर हमने निकाल लिया है। अब बारी है कि इसे सर्व कैसे करना है। तो सबसे पहले हम एक ग्लास में डालेंगे बर्फ। तो यहाँ पर मैंने आइस क्यूब्स डाल लिए हैं, और इसके बाद में हम इसमें ये जूस भी डाल लेंगे। तो यहाँ पर हमारा ये थर्ड जूस बनके भी रेडी है। अब बारी है फोर्थ जूस की। तो फोर्थ जूस के लिए मैंने यहाँ पर जार लिया हुआ है, और जार में हम डालेंगे थोड़े से गाजर के कटे हुए पीसेस। अगर आपको गाजर मिल ना पाए तो कोई बात नहीं, आप गाजर के बिना भी ये जूस बना सकते हैं। थोड़े से खीरे के पीसेस डाल लेंगे। बस क्वांटिटी बाकी चीज़ों की ज़्यादा कर लीजिएगा अगर गाजर ना डाल रहे हो। अब हम यहाँ पर डाल रहे हैं बीट रूट यानी कि चुकंदर। ककड़ी डाल लेंगे। ध्यान रखें ये सब डालने से पहले अच्छे से वॉश ज़रूर करना है।
और थोड़ा सा यहाँ पर मैं नींबू रस डालूंगी, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा नींबू रस डालेंगे। और अब जार को बंद कर दीजिए और इसे पीस लेंगे अच्छे से। तो देखिए ये एकदम बढ़िया तरीके से पिस चुका है। अब हम इसमें डाल लेंगे पानी। तो यहाँ पर मैंने 1/4 कप पानी डाल लिया है। इसे एक बार और ग्राइंड कर लेंगे। अब दोबारा से सेम प्रोसेस करेंगे, हम इसे इसी तरीके से छान लेंगे जिस तरीके से हमने अंगूर के जूस को छाना था। तो देखिए हमारा यहाँ पर कूल कूल फोर्थ जूस भी रेडी है, तो जल्दी से सर्व कर लेते हैं। तो एक ग्लास ले लेंगे, ग्लास में डाल लेंगे सबसे पहले आइस क्यूब्स। और अब हम इसमें डाल लेंगे ये जूस। तो फोर्थ जूस भी बनके रेडी है। अब बारी है फिफ्थ जूस की। तो फिफ्थ जूस के लिए यहाँ पर मैंने छोटा जार लिया हुआ है और इसमें हम सबसे पहले डालेंगे थोड़ा सा धनिया। अच्छे से वॉश ज़रूर कर लीजिएगा धनिया को। थोड़ा सा पुदीना डाल लिया है और थोड़ा सा नींबू रस डाल लेंगे इसमें, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही नींबू रस डालना है, 1 छोटी चम्मच डाल लीजिएगा। और अब हम यहाँ पर डालेंगे 2 चम्मच चीनी। चीनी की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं। और अब हम इसे अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लेंगे। तो इसे ग्राइंड करने के बाद यहाँ पर हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, 1/4 कप से भी आधा पानी ऐड किया है, यानी कि 1/8 कप पानी ऐड किया है यहाँ पर मैंने। और इसे ग्राइंड कर लीजिए। तो देखिए अच्छे से पिस गया है। अब इसके बाद में इसे नीचे उतार लीजिए और इसमें पानी मिक्स कर लेंगे हम। तो यहाँ पर मैंने इसमें 1/2 कप पानी ऐड कर लिया है और अब हम इसे छान लेंगे। इसके बाद में एक ग्लास लेंगे और उसमें आइस क्यूब्स डाल लेंगे। अगर आप आइस क्यूब्स के बिना भी ये सारे जूसेस पीना चाहते हैं तो आप पी सकते हैं, ये आपका अपना टेस्ट है। और इसमें ये जूस डाल लेंगे। फिफ्थ जूस यहाँ पर रेडी है। अब आम का जूस छोड़ के यहाँ पर बाकी चारों जूस रखे हुए हैं। हमें क्या करना है, थोड़ा थोड़ा काला नमक इन चारों जूसेस में डालना है इसका टेस्ट और भी ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए। ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते हैं तो ना डालें, लेकिन अगर आप इसे डालेंगे तो और भी ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। नमक डालने के बाद मिक्स कर लीजिए। तो चारों जूस यहाँ पर मैंने मिक्स कर लिए हैं। आम के जूस में कुछ भी नहीं करना है, वो एग्जैक्टली ऐसे ही रहेगा। तो पांचों जूस यहाँ पर बनके रेडी हो चुके हैं। आप पांचों में से कोई भी ट्राई करें, आपको ज़रूर बहुत पसंद आएगा। और मुझे कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताइएगा कि आपको इनमें से सबसे ज़्यादा अच्छी रेसिपी कौन से जूस की लगी। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। एंड अगर आप कोई भी रेसिपी ट्राई करने वाले हों तो मुझे इंस्टाग्राम पर उसके पिक ज़रूर सेंड करें। एंड मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। एंड अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही टेस्टी टेस्टी रेसिपीज़ की नोटिफिकेशंस आती रहेंगी आपके पास। थैंक यू।